Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In this video, we discuss the exponential topic for the divide and conquer algorithm. First of all, what is the exponential? Exponential, that means कोई raise to होगा, x raise to, n raise to, 2 raise to, okay, कोई x term होगी, कोई एक variable होगा, उसको क्या करना है, उसको raise to जो होगा, वो हमको identify करना है. That means what is the algorithm for the exponential? We have a mathematical function for the exponential. That means exponential is equal to x n. यहाँ पर x क्या है? X है वो basic है, उसका base है. और n क्या है? उसका जो raise to है वो. Suppose कि यहाँ पर हम exponential x comma n को अगर हम पढ़ते हैं, तो वो क्या कैसे पढ़ेंगे? X raise to n. ओके ऐसे हम पढ़ेंगे. सपोज कि ये हमारी x की वैल्यू है 2 एंड n की वैल्यू है 4, दैट मींस 2 रेज टू 4. अगर हमारी वैल्यू है 4 फॉर द x एंड n की वैल्यू है 2, देन 4 रेज टू 2, दिस वन इज अवर एक्सपोनेंशियल वैल्यू फॉर द x रेज टू n. बट हियर वी वांट टू डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम, डिवाइड एंड कॉन्कर रूल अप्लाई इन एक्सपोनेंशियल फंक्शन. सो दिस वन इज द एल्गोरिदम फॉर दैट. सपोज कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कैसे वर्क करता है. सपोज इफ अवर एन इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एक्स रेस टू जीरो होगा. एक्स रेस टू जीरो, सपोज कि एक्स की वैल्यू है 2 है, ओके तो 2 रेस टू अगर जीरो आपको बोलोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. 8 रेस टू जीरो बोलोगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. 100 रेस टू जीरो बोलोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1. दैट मीन्स कोई भी रेस टू जीरो होगा, अगर ये वाली वैल्यू एक्स रेस टू कोई भी एक्स कोई भी बड़ी वैल्यू हो, 1 लाख होगा, फिर भी उसके रेस टू जीरो होगा ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 1. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक अवर एन वैल्यू, वैल्यू ऑफ एन. सो फर्स्ट वी चेक द वैल्यू ऑफ एन. इफ अवर वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो, देन रिटर्न एज अ 1. अदरवाइज उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद करना है आपको आर आइडेंटिफाई करना है. सो वॉट इज द आर? आर इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स कॉमा एन बाई 2. ओके n by 2 तक आपको क्या करना है? उसकी r की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. सपोज कि यहाँ पर आपकी n की वैल्यू है वो 2 है, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू है वो 4 है और n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर आपको एक्सपोनेंशियल कैसे आइडेंटिफाई करना होगा? दैट मीन्स 4 कोमा 2 बाई 2. ओके दैट मीन्स आपका r क्या आया? r आया 4 रेस टू 1. ओके 4 रेस टू 1, दैट मीन्स वो आपका क्या आ गया? r 4. ओके सो दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ x कॉमा एन बाई 2. इफ अवर n n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल टू जीरो, इक्वल जीरो मॉड्यूलो 2, दैट मीन्स आपको यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है. सपोज कि 4 मॉड्यूलो 2 है. ओके 4 मॉड्यूलो 2 को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मॉड्यूलो, वॉट इज द मॉड्यूलो? वॉट दैट मीन्स शेष. ओके हम गुजराती में उसको क्या बोलते हैं? शेष, जो बचा हुआ है वो. अगर 4 मॉड्यूलो 2 है तो 4 वो क्या होगा? 4 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर आएगा. 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 में से 4 होगा तो वो क्या आ गया? 0. दैट मीन्स अवर मॉड्यूलो इज अ 0. सो n मॉड्यूलो 2 इज इक्वल 0. सो दिस वन इज अ ट्रू. बट इफ वी हैव अवर ऑड वैल्यू, दैट मीन्स इफ 5 मॉड्यूलो 2 हमें आइडेंटिफाई करने को बोला था, यहाँ पर 5 मॉड्यूलो 2 है, वो हमें अगर आइडेंटिफाई करना है तो वो कैसे करेंगे? दैट मीन्स 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो 5 में से 4 जाएंगे तो 1. अगर अब हम आगे हमारा वो जो है वो हम चला नहीं सकते, अगर हम चलाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? पॉइंट आएगा, बट हमें पॉइंट नहीं चाहिए, तो हमारा मॉड्यूलो क्या बचा? 1. तो यहाँ पर अगर हमारी मॉड्यूलो की वैल्यू 0 है तो हमें क्या कर देना है? रिटर्न आर इंटू आर, आर इंटू आर कर देना है. बट अगर हमारी जो मॉड्यूलो की वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स 1 या तो फिर 2 या तो फिर 3 वो कुछ आ रही है, तो आपको क्या करना है? आपकी वैल्यू को रिटर्न कैसे करना है? आर इंटू आर इंटू एक्स. ओके अगर इवन होगा तो वो मॉड्यूलो ऑलवेज 0 होगा, और ऑड होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी? आर इंटू एक्स. यहाँ पर मैंने काउंट डाउन किया है कि सपोज के व्हेन एन इज इक्वल टू इवन, 3 रेस टू 4 के लिए हमें क्या कर लेना है? आइडेंटिफाई करना है कि सपोज कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 3 और एन की वैल्यू है 4. ओके अब 3 रेस टू 4 यहाँ पर हमें चेक करना है, 3 रेस टू 4, एक्स इज इक्वल टू 3 एंड एन इज इक्वल टू 4 इफ एन इक्वल 0. ओके एन की वैल्यू क्या है? 4, तो 4 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है? एल्स पार्ट चेक करना है. एल्स पार्ट में फर्स्ट क्या है? आर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स कॉमा एन डिवाइड बाई 2. एक्स क्या है हमारा? एक्स है 3 और 4 वो है हमारा एन. सो हियर एक्स कॉमा 2, दैट मीन्स एक्स रेस टू 2, दैट मीन्स 3 रेस टू 2. 3 रेस टू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 3. सो दिस वन इज द एक्सपोनेंशियल ऑफ
आर. ओके, अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉड्यूलो चेक करना है. आपकी आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू क्या आ गई, एक्स कॉमा टू. ओके, एक्स रेस टू टू, दैट मीन्स थ्री रेस टू टू, वो क्या आई आपकी आर की वैल्यू. अब इफ एन डिवाइड बाई टू इज इक्वल इक्वल जीरो, एक्स एन डिवाइड बाई टू इज इक्वल इक्वल जीरो, दैट मीन्स फोर डिवाइड बाई टू, फोर मॉड्यूलो टू. यहाँ पर क्या आएगा, फोर मॉड्यूलो टू, तो क्या होगा, वो जीरो होगा. यस, क्यों, क्योंकि उसकी मॉड्यूलो में क्या है, जीरो है, वो शेष नहीं बचा रहे. तो उसका रिटर्न क्या करना है, आर इंटू आर, दैट मीन्स आर इंटू आर, थ्री स्क्वायर इंटू थ्री स्क्वायर, दैट मीन्स नाइन इंटू नाइन इज इक्वल टू 81. बट अगर हमारी वैल्यू ऑड है, दैट मीन्स थ्री रेस टू फाइव है, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर फिर से आर को आइडेंटिफाई करना है. एक्सपोनेंशियल थ्री कॉमा फाइव डिवाइड बाई टू. ओके, यहाँ पर फाइव डिवाइड बाई क्या, टू क्या होगा, फाइव डिवाइड बाई टू होगा टू पॉइंट समथिंग होगा, वन पॉइंट फाइव समथिंग होगा ना, सॉरी 2.5 समथिंग होगा, 2.5 इंटू 2.5. ओके, तो यहाँ पर आपका एन क्या होगा, 2 होगा, 2 तो होगा, बट यहाँ पर हमारा इफ पार्ट नहीं होगा, एल्स पार्ट होगा. एल्स पार्ट कैसे होगा, एल्स पार्ट ऐसे होगा कि रिटर्न आर, आर क्या है, एक्स रेस टू 2.5, 2.5 तो कर नहीं सकते, तो क्या होगा, उसका राउंड ऑफ 2 होगा. तो एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 2, दैट मीन्स एक्स रेस टू 2, एक्स रेस टू 2 इंटू क्या है, एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो क्या आ गया यहाँ पर 3, दैट मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 3, 81 इंटू 3, दैट मीन्स 243. ओके, सेम मैंने यहाँ पर 3 रेस टू 4 और 3 रेस टू 5 का ये वाला जो मैंने कंसेप्ट था ना, वो यहाँ पर बोला है कि 4 डिवाइड बाई 2 क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हमारा एल्गोरिदम में वर्क कर रहा है वो, तो वो रिटर्न करेगा क्योंकि वो ट्रू है, बट यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2 जीरो नहीं है, इसलिए क्या होगा, एल्स पार्ट रिटर्न होगा. So this one is your exponential concept for the divide and conquer rule. Thank you.